कल ओवरऑल अप्रोच डिस्कस की थी, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट को सीक्वेंस में डिवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें राइटिंग करनी है, स्टेप्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मैप बनाना है, कुछ रिवीजन करनी है, कुछ पास पेपर्स को राइटिंग में करना है। देन हम लोगों ने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच बनाते चले जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए थे और उसके ऊपर हमने काम करना था। अभी तक जो हमारी चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी वो ये थी कि मॉक क्या है, मॉक से रिलेटेड क्या मामला आता है, एंड ऑफ सेशन पे किस तरह से चीज़ें चलेंगी, और पेपर में आपने बैठ के पेपर को अटेम्प्ट करना है तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं या कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन जब शुरू की थी तो हमने सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड दो स्टैंडर्ड्स को देखा था, 210 और 220। 210 के मैक्सिमम एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, 220 को डिस्कस करते करते हमने उसके साथ ISQC 1 का एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया था। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने बात की थी कुछ लीगल एस्पेक्ट्स की, कि अपॉइंटमेंट के कुछ लीगल मसले भी हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स के हैं। जो लीगल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड मैंने स्लाइड जो है वो फेसबुक के कमेंट्स पे ही शेयर भी कर दी हैं, तो जो लीगल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। देन फिर हम 700 सीरीज़ की तरफ आए थे और हमने उसमें 700 और 701 को कवर किया था। तो आज अब उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो पहले सेशन का टारगेट है वो 705, 706 ये एरियाज जहाँ से एक लॉजिकल सा सवाल आता है, पहले हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके और देखेंगे कि पेपर में सवाल आता है तो हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो तैयार हैं? ठीक है जी। हमारे ऑनलाइन ऑडियंस भी तैयार हैं? ठीक है जी। एक मैप डिस्कस करना है। सबसे पहले दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि रिपोर्ट कितनी कैटेगरी की है, रिपोर्ट किस किस तरह की है। सी फैप लेवल पे भी आके लोग बहुत बेसिक लेवल पे गलतियां कर रहे होते हैं, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं। आई कैप ये एक्सपेक्ट करता है कि इस लेवल के स्टूडेंट को ये पता हो कि मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टूडेंट को ये पता हो कि कभी कभी रिपोर्ट इस तरह से भी मॉडिफाई हो जाती है कि आपकी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुई होती। तो हमें ओपिनियन की कैटेगरी, रिपोर्ट की कैटेगरीज, इन सब का पता होना चाहिए। इस लेवल पे इस तरह का ब्लंडर करना थोड़ा सा नेगेटिव है, या कहीं ना कहीं आईकेएफ के जहन में आता है या एग्जामिनर के जहन में आता है कि स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो थोड़ा सा मैप समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप को समझते समझते 705, 706 को साथ साथ कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट की, तो ऑडिट रिपोर्ट दो कैटेगरीज की हो सकती है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट से क्या मतलब है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है जो हमने ISA 700 वाली रिपोर्ट पढ़ी थी, यानी कि जब आपका सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, आपको किसी किस्म की मटेरियल में स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, आपको स्कोप लिमिटेशन नज़र नहीं आ रही, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हमने कहा था कि हम एक साफ रिपोर्ट देंगे, उसको हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इसलिए कि ISA 700 ने एक फॉर्मेट शेयर किया है, उस फॉर्मेट के मुताबिक जब हमने एज इट इज़ वो रिपोर्ट बना दी है, जिस रिपोर्ट में वो ऑफिशियल कॉन्टेंट्स हों जो कि 700 ने हमें बताए हैं, तो वो रिपोर्ट कहलाएगी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। लेकिन अगर हम अपनी बेसिक रिपोर्ट के पैटर्न से हट जाएंगे तो हम रिपोर्ट को कहेंगे मॉडिफाइड रिपोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो ये एक बेसिक कैटेगरी है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है, अगर सब कुछ सही है और आप कुछ मजीद एडिशनल बात नहीं करना चाह रहे, तो देन आप एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बताते हैं जिसमें वो 14 एलिमेंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको हम कवर कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न आपको अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर सम रीज़न। वो रीज़न दो तरह की हो सकती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं, इस मैप को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ISA 700 के मुताबिक आप देते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, और देन आप मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं दो में से किसी एक वजह से, या ओपिनियन की मॉडिफिकेशन या अदर मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मसला है या मैं अपनी ओपिनियन ख़राब करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी ओपिनियन चेंज होगी। जब मेरी ओपिनियन चेंज होगी तो एज अ रिजल्ट मेरी रिपोर्ट भी चेंज हो जाएगी। मेरी रिपोर्ट के वो जो 14 बेसिक एलिमेंट्स थे, मेरी रिपोर्ट थोड़ा सा हट जाएगी, उनमें से कुछ कॉन्टेंट्स की वर्डिंग चेंज हो जाएगी, कुछ कॉन्टेंट्स की प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो जब भी आप अपनी बेसिक रिपोर्ट से हटते हैं तो वो दो में से कोई एक वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि आपकी ओपिनियन बदल गई। तो हर मॉडिफाइड रिपोर्ट हमेशा मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से नहीं होगी, देयर कैन बी सम अदर मॉडिफिकेशन जिसके कुछ और पैरामीटर्स हैं। अगर हम इस मैप को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहें तो 705 मॉडिफाइड ओपिनियन को डील करेगा और 706 अदर मॉडिफिकेशंस को डील करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। कई दफ़ा आई कैप एक सिनेरियो बनाता है जिसमें यहाँ की इशू होता है और वो आपसे कहते हैं कि बताओ रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन के बारे में, तो आप सोचते हैं कि शायद रिपोर्ट तो मॉडिफाई नहीं हुई क्योंकि ओपिनियन जो चेंज नहीं हुआ। इधर के इशू से भी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है बट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता। तो रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन की दो रीजंस हो सकती हैं, या तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन
या अदर मॉडिफिकेशन। जब मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं तो 705 हमारा रेलेवेंट हो जाता है। आज का हमारा टारगेट बेसिकली इसी मैप को हमने कंटिन्यू करना है सेशन में कि 705 के मुताबिक मॉडिफाइड ओपिनियन की क्या चीज़ें हैं और अदर मॉडिफिकेशन। ये चीज़ आप कैफ लेवल से बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे भी हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही जाने की कोशिश करेंगे कि ओपिनियन की मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है और अदर मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है। जब हम बात करते हैं ओपिनियन की मॉडिफिकेशन, तो ओपिनियन की मॉडिफिकेशन दो वजह से होती है। अगर मैं आपको याद कराऊं तो कल 700 में हमने कहा था हम साफ रिपोर्ट दे देंगे अगर दो बातें क्लियर हो। वो दो बातें क्या थी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं तो हम दे रहे हैं साफ रिपोर्ट, साफ ओपिनियन। तो अगर इन दो में से किसी एक चीज़ में मसला है तो ऑब्वियसली हमारी ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगी। यानी हमने जिक्र किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सवाल ये कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? 705 की तरफ जाते हैं। 705 ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिस्कस किया। इन्होंने कहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट तीन तरह के मसलों को कहते हैं। आप सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मुनासिब ना हो, यानी एंटिटी ने वो पॉलिसी ही नहीं सिलेक्ट की जो कि इस सिचुएशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट थी। आसान अल्फाज में अगर सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी में मसला हो तो, नंबर टू अगर मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी में मसला हो, नंबर थ्री डिस्क्लोजर में मसला। कहने का मतलब ये है कि तीन चीज़ों को मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहेंगे, सिलेक्शन में मसला पॉलिसी की, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी में मसला, या डिस्क्लोजर के अंदर आपने कुछ गड़बड़ कर दी। इनमें से कोई भी एक इशू होगा मैं कहूँगा ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हम बात कर रहे थे कि ओपिनियन दो वजह से ख़राब हो जाती है, उनमें से एक वजह है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक दूसरी वजह है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसे कहते हैं? इन तीन में से कोई एक काम, ऐसी पॉलिसी जो कि कंसिस्टेंट ना हो फ्रेमवर्क के साथ, ऐसी पॉलिसी जिसके साथ फेयर प्रेजेंटेशन सही से अचीव ना हो, ऐसी पॉलिसी जिसको हमें अप्लाई करना कंसिस्टेंटली ना आता हो, या हमें उसकी मेथड ऑफ एप्लीकेशन में हमको गड़बड़ कर दें, या डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर खा जाना, या एक डिस्क्लोजर को मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट कर देना, या कुछ इस तरह का अहम डिस्क्लोजर मिस कर देना जिससे आपकी फेयरनेस आ जानी थी फाइनेंशियल्स में। आसान अल्फाज में पॉलिसीज या डिस्क्लोजर में जब भी हम कोई गड़बड़ करेंगे तो ये एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। इसका मतलब है ऑडिटर जब ऑडिट करने आया तो वो देख रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल हैं या किस लेवल की हैं। अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं तो वो इसमें आएंगी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ओपन बुक के बाद ये तो टेंशन वाली बात है ही नहीं कि आपने डेफिनेशन या इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आसान मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़। 2005 में स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए थे, उससे पहले इस चीज़ का नाम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होता था। इसके लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते थे डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। वो ज़्यादा एलेबोरेटिव मज़ेदार से वर्ड्स हैं। यानी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तब आएगी जब ऑडिटर और क्लाइंट का डिसएग्रीमेंट होगा। ऑडिटर मानता होगा कि ये पॉलिसी यूँ लगनी चाहिए, ये डिस्क्लोजर यूँ होना चाहिए, जबकि मैनेजमेंट वाले कहेंगे कि ये डिस्क्लोजर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वाली पॉलिसी ऐसे नहीं अप्लाई। तो जब भी ऑडिटर और क्लाइंट का आपस में डिसएग्रीमेंट है तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लाइंट कर रहा है, और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल की है हम उस तरह की ओपिनियन ड्राफ्ट कर लेंगे। ये तो हो गई सबसे पहले मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डिस्कशन। अगर दोबारा मैप पे आए तो हमने कहा था दूसरी चीज़ कैन बी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब सवाल ये कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं? तीन में से कोई भी एक चीज़ हो तो हम उसको इनएबिलिटी कहते हैं। कभी कभी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि ऑडिटर बावजूद कोशिश के एविडेंस हासिल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल जिस इलाके में एविडेंस है वहाँ सैलाब आया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर सम रीज़न गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया है, आप इस्लामाबाद में जा रहे थे चीज़ें वेरीफाई करने के लिए, पता लगा जी वहाँ तो धरना चल रहा है। अब अगर वहाँ धरना चल रहा है तो जिस जगह पे आपने इन्वेंट्री को वेरीफाई करना था, अगर वो एरिया गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है या वहाँ से आउटसाइडर्स को एंटर नहीं होने दे रहे, तो शायद बावजूद कोशिश के आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं पाएगा। तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी होते हैं। इस वजह से आपको स्कोप लिमिटेशन, ये जो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, इसको अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो हम स्कोप लिमिटेशन बोल सकते हैं। तो स्कोप लिमिटेशन या इनएबिलिटी कई दफ़ा इस वजह से होती है कि एंटिटी का कसूर नहीं होता। कोई सैलाब आ गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, कुछ ऐसा हो गया जिससे ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिला, नॉट ड्यू टू अ फॉल्ट ऑफ कंपनी। लेकिन कभी कभी होता है कि मैनेजमेंट ने इम्पोज की होती है स्कोप लिमिटेशन। मैनेजमेंट आपको कह देते हैं हम आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं भेजने देंगे, हम इन्वेंट्री चेक नहीं करने देंगे, हम डेटर से रब्ता नहीं करने देंगे, हम लीगल एडवाइज़र को खत नहीं लिखने देंगे, हम आपको BRS नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो कभी कभी मैनेजमेंट हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, और कभी कभी मेरे अपने प्रोसीजर्स की लिमिटेशन मुझे कह देते हैं कि तुम इस वक्त जो मर्जी कर लो तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल ISA 501 अच्छा खासा जोर देता है इस चीज़ पे कि इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन ऑडिटर को मौजूद होना जरूरी है। वो वहाँ मौजूद होगा उस टाइम पे जो कंट्रोल्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं,
इन्वेंट्री की फिजिकल तादाद ईयर एंड पे थी या नहीं थी, इसके ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है कि ऑडिटर फिजिकली वहां पे मौजूद हो। अगर ऑडिटर वहां फिजिकली मौजूद नहीं हुआ तो अल्टरनेट तरीके से एविडेंस तो हासिल कर ले, लेकिन शायद बावजूद शदीद कोशिश के वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तक नहीं पहुंच सकेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके प्रोसीजर्स में डिफाइंड होती हैं। अब अगर आपको स्टैंडर्ड ने कहा है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तभी मिलेगा जब आप ईयर एंड पे मौजूद हो, फर्स्ट करें ईयर एंड पे हम मौजूद नहीं थे, कोई और ऑडिट कर रहा था, उनका कोई आपस में क्लैश हुआ, ऑडिटर को उन्होंने निकाल दिया, नया ऑडिटर आया, SECP ने अप्रूवल दी, हम लोग अपॉइंट हो गए, मगर हम अपॉइंट हुए ईयर एंड से 1.5 महीने बाद। अब ईयर एंड के 1.5 महीने बाद ये इम्पॉसिबल है कि मैं पीछे जाकर इन्वेंट्री को उस दिन काउंट करूँ, या इवन उसकी एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिकंसिलिएशन भी शायद इतनी आसान ना हो। तो ऐसे में मेरे अपने प्रोसीजर्स ने कुछ ऐसी लिमिटेशंस बता दी कि मैं बावजूद शदीद कोशिश के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल नहीं कर सकूंगा। मैं एंटिटी को ऑडिट करने आया हूँ, फर्स्ट करें एक बैंक है, एक बैंक के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस उनकी ERP सिस्टम से जनरेट हो रही है। अब अगर मुझे उनकी ERP सिस्टम पर कम्फर्ट ही डिवेलप ना हो, अच्छा अगर क्लाइंट के कंट्रोल्स वीक हों तो क्या हम ओपिनियन खराब कर सकते हैं? कंट्रोल्स पर तो हम ओपिनियन नहीं दे रहे, हम तो ओपिनियन दे रहे हैं सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लगा के। अब फर्ज करें मैं सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लगाने जाऊं, लेकिन मैं सोचूं ये तो बैंक है, यहाँ कंट्रोल्स पे जितनी कंफर्ट होगी उतना अच्छा है, कंट्रोल्स देखी हूँ तो बेकार हो। अब मैं जितना मर्जी डिटेल में सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर में चला जाऊं, जब मुझे एंटिटी के ऊपर से एतबार ही उठ गया तो शायद अब मुझे मिलने वाला कोई भी एविडेंस उतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होगा ही नहीं। और 330 कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सफिशिएंट प्रोसीजर लगाना ना लगाना तकरीबन बराबर हो जाता है। तो दूसरा इशू क्या है? स्कोप लिमिटेशन एंटिटी की तरफ से हो सकती है, हालात की तरफ से हो सकती है, और कभी कभी ऑडिटर के प्रोसीजर्स और ऑडिटर के ISAs में डिफाइंड हो सकती है, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे एविडेंस हासिल नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, देखें ये एक पॉइंट है जिस पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऑडिटर डिटरमाइंड दैट परफॉर्मिंग सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बट एंटिटीज कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी में, जैसे मैंने कहा बैंक में पर डे सैकड़ों बिल जमा होते हैं एक ब्रांच में, एक बैंक की सैकड़ों ब्रांचों में पर डे कितने बिल जमा होते होंगे, तो सोचें साल में कितने बिल जमा होते होंगे। अब साल में अगर हज़ारों या कभी कभी शायद लाखों की केस में अगर बिल जमा हुए हैं और मैंने बिलों से आने वाली इनकम बैंक की वेरीफाई करनी है, तो कितना बड़ा सैंपल उठा सकता हूँ मैं? 10,000 बिल भी देख लूंगा ना तो शायद 1% कवर हो रहा होगा, तो ऐसे में तो ऑडिट फंस गया। बजाय इसके कि वो 10,000 बिल पकड़ के उनको वेरीफाई करे, वाई नॉट वो पहले सिस्टम को चेक कर ले, और अगर सिस्टम मजबूत है तो शायद 100 बिलों का सैंपल उठा के उनके ऊपर प्रोसीजर लगाए, और उधर से जब उसको कंट्रोल्स के ऊपर कंफर्ट आ गई तो उसके बाद कम सैंपल की बेस पे कह दे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। अब बैंक के केस में ऑडिटर ने डिसाइड किया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले काफी नहीं है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले लगाने से उसको एविडेंस नहीं मिलेगा, या जो मिलेगा उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं कह सकेगा, तो उसने अब क्या करना है? कंट्रोल्स देखने। जब उसने कंट्रोल्स देखे तो उसे नजर आया कि कंट्रोल्स में तो बहुत वीकनेसेस हैं, कंट्रोल्स में तो बहुत मसले हैं। कंट्रोल्स में बहुत मसले का ये मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़े होने के चांसेस बढ़ गए, मगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो 1% वेरीफाई कर रहा हूँ, तो 99% तो मैं देख ही नहीं सका। तो ऐसे में जितनी मर्जी मैं अपने सैंपल साइज को बढ़ा लूंगा, मैं एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकता। तो अगर किसी एरिया में मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ कंट्रोल्स को देखे बगैर खाली सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाना काफ़ी नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ कंट्रोल्स भी टेस्ट करने होंगे। और अगर कंट्रोल वीक होने का कंफर्म मतलब है कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन कंट्रोल वीक होने का एक मतलब है कि शायद फाइनेंशियल में मिसस्टेटमेंट हो, शायद। अब मैं फाइनेंशियल पे जितने मर्जी सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लगा दूँ, मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा। तो इसलिए रूल इज कि अगर आपने डिसाइड किया है कि सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर अकेले नहीं है, आपको कंट्रोल्स लगाने हैं, और कंट्रोल्स के रिजल्ट्स बहुत एडवर्स निकले, तो देन आप उस एरिया को बगैर ऑडिट किए कह सकते हैं कि मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल ही नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली ये वाली एग्जांपल इसको एलैबोरेट कर रही है। इसका हम थोड़ा सा आगे जाके दोबारा भी हम जिक्र करेंगे तो ये फिर काम आती नजर आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एक मसला, और दूसरा मसला मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर की तरफ से क्लाइंट के साथ एक क्लैश, जिसमें क्लाइंट कहते हैं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए जबकि ऑडिटर कहते हैं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। डन, डायग्राम पे वापस आते हैं। हमने कहा था मॉडिफाइड ओपिनियन या मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से हो सकता है या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल लेवल की हो सकती है, ऑब्वियस है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का लफ्ज़ ही मतलब क्या है? ऐसी मिसस्टेटमेंट जो है ही मटेरियल।
इसका मतलब है कि जो मेटीरियल में स्टेटमेंट है वो इमेटीरियल चीज़ को नहीं कहेंगे। याद है 700 ने क्या कहा था कि अगर मिस स्टेटमेंट्स इमेटीरियल हैं तो साफ ओपिनियन दे दो। तो इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट मेटीरियल होंगी तो हम यहाँ आएंगे। तो मैं इसको मेटीरियल को अलग से क्यों डिस्कस करूँ, क्योंकि मेटीरियल से एक बड़ा लेवल भी होता है जिसको हम कहते हैं परवेसिव। तो अगर मेटीरियल लेवल की मिस स्टेटमेंट है तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हम एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होते हैं, बेसिकली हम एक कंडीशनल ओपिनियन दे रहे होते हैं। इस चीज़ को मैं नॉर्मली इस तरह से एलेबोरेट करता हूँ कि आप एक एंटिटी को ऑडिट करने गए और उनके 100 मिलियन के एसेट्स हैं और 11 मिलियन की इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री में लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से वो 11 मिलियन की इन्वेंट्री मेटीरियली मिसस्टेटेड है। अब 11 मिलियन की इन्वेंट्री की बेस पे 100 मिलियन के एसेट रखने वाली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ख़राब कह देना तो मुनासिब नहीं है। बट 11 मिलियन इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप इसे नज़रअंदाज कर दें। इमेटीरियल नहीं है, मेटीरियल है, लेकिन इतनी मेटीरियल नहीं है कि मैं उसकी बेस पे कह दूँ पूरे ही फाइनेंशियल गलत हो गए। तो मेटीरियल का मतलब है एक ऐसा लेवल जो कि काबिल जिक्र है, जिससे ऊपर यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो मैं दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन के अल्फाज क्या होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि सिवाय इन्वेंट्री के ये लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी वाला मसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग, तो मैंने पूरे फाइनेंशियल्स को साफ कह दिया मगर एक शर्तिया ओपिनियन के साथ, कंडीशनल ओपिनियन के साथ, क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, कि इन्वेंट्री को छोड़ के, इन्वेंट्री के मसले को छोड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो हो गया अगर इशू है मेटीरियल लेवल का। अगर इशू मेटीरियल से अगले लेवल का है, इसको हम मेटीरियल एंड परवेसिव भी बोलते हैं और खाली परवेसिव भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड से पूछें तो स्टैंडर्ड परवेसिव की डेफिनेशन देता है। वो कहते हैं परवेसिव एक ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी एक एरिया पे कन्फाइंड ना हो, आसान अल्फाज में जो पूरे फाइनेंशियल्स पे छाया हुआ हो। वो चीज़ें विच आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे गोइंग कंसर्न का मसला है, ये कौन से एरिया का मसला है, पूरे फाइनेंशियल्स का मसला है। क्लाइंट का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खराब हुआ अगर, पूरे फाइनेंशियल। मैनेजमेंट बेमान लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने धड़ाधड़ फ्रॉड किए हुए। तो अगर एक ऐसा मसला आए जो कि किसी एक एरिया पे कन्फाइंड ना हो, आसान अल्फाज में जो पूरे फाइनेंशियल्स पे छा जाए, तो वो परवेसिव है। या इफ सो कन्फाइंड, अगर किसी खास एरिया का मसला हो तो वो एरिया रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, वो एरिया फाइनेंशियल्स का पर एक बड़ा एरिया हो। और अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करूँ तो वो डिस्क्लोजर जो यूजर्स के लिए बहुत फंडामेंटल थे उनको हम परवेसिव कहेंगे। तो मेटीरियल था एक ऐसी चीज़ जो कि काबिल जिक्र है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। परवेसिव एक बहुत बड़े लेवल की मेटीरियलिटी, इसको मैं कहता हूँ ये अखीर मेटीरियल। एक सादा मेटीरियल है और एक इतना मेटीरियल है कि उसके बगैर अब वो फाइनेंशियल्स के इतने बड़े पोर्शन पे छा गया है कि उसके बगैर अब हम मतलब सही से ओपिनियन भी नहीं दे सकते। तो हमने ये बात की थी मैप के मुताबिक कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेटीरियल में स्टेटमेंट होगी और वो मेटीरियल लेवल की होगी तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, हम कहेंगे सिवाय इस इशू के बाकी सही है। लेकिन अगर इशू होगा बहुत बड़े लेवल का, वही बात है 100 मिलियन के एसेट्स में से अगर 88 मिलियन की एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग रिकॉर्ड गलत हुई हुई है, वो बिल्डिंग इनके नाम पे नहीं है और ये उसकी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो अब ये कहना मुनासिब नहीं है कि सिवाय उस 88 मिलियन के बिल्डिंग के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि वो इतना परवेसिव इशू है कि वो फाइनेंशियल्स के ऊपर छा गया है। तो अब आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। एडवर्स का मतलब है नेगेटिव ओपिनियन देना पड़ेगा। आप कहेंगे इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। एक चीज़ ध्यान में रखें, अगेन मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बच्चों के साथ गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा था कि रिपोर्टिंग और ऑडिट इन दोनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा प्रोफेशनली साउंड है। ऑडिट में आपकी अच्छी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है या आपको अच्छा लिखना आता हो, अकाउंटिंग में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्लोजर्स वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर इस एरिया में आप गड़बड़ करेंगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा उस बुरे की वजह से वो आपके टोटल मार्क्स में से एंड पे से 10 माइनस कर देंगे, बट आपका इमेज बड़ा गंदा जाएगा एग्जामिनर के सामने। तो अगर एग्जामिनर को लगे कि स्टूडेंट को तो 700 सीरीज का मैप भी नहीं पता, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज जहाँ आपने जजमेंटल जवाब दिए हैं उनके जहन में आपका एक इमेज बन चुका होगा। तो ऐसे में वो जजमेंटल सवाल जिनको वो ध्यान से पढ़ के आपको थोड़े से बेहतर नंबर देते, अब वो अपने जहन में आई हुई उस परसेप्शन की वजह से आपके सवाल को उतना ध्यान से शायद ना पढ़ें और शायद उसमें थोड़ा जेनेरिक लेवल पे चल पड़े। ऑब्वियसली वो भी इंसान है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखना है कि जो स्टूडेंट जिसका मैं पेपर चेक कर रहा हूँ ये किस कैलेबर का है। तो दिस इज़ हाईली एडवाइस कि इसका मैप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, इसमें ब्लंडर नहीं मारे हैं।
क्योंकि जो इसमें गड़बड़ करेगा ना उसके बारे में एग्जामिनर को बहुत शदीद गुस्सा आ जाना है कि ये किस किस्म का स्टूडेंट है, और क्या ऐसे लोगों को क्वालिफाई करना चाहिए जिनको ये भी नहीं पता कि कौन से केस में कौन सी ओपिनियन देनी होती है। तो थोड़ा सा डरना भी है। 700 सीरीज का मैप अच्छी तरह से पता होना चाहिए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई ने एक बहुत ही चुपता हुआ सा सवाल पूछा, इन्होंने कहा अगर लास्ट ईयर का एक इशू है तो अब क्या करेंगे। हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आज 710। उस स्टैंडर्ड का मकसद ही ये है कि पिछले साल के इश्यूज को अब हमने कैसे डिस्कस करना है। तो वो उधर हम रेलिवेंट जगह जाके उसके ऊपर इतनी कंप्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे कि ये तो एक सवाल है, हम इस तरह के 4-5 इश्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसका एक प्रॉपर रेलिवेंट स्टैंडर्ड है। जी अब सवाल ये है कि मटेरियल किसे कहेंगे, ये एक सबसे बड़ा चुपता हुआ सवाल फिर से आ गया। व्हाट एग्जैक्टली इज मटेरियल? आईएसए 320 ने मटेरियलिटी को एक्सप्लेन किया और पूरे स्टैंडर्ड ने हमें नहीं बताया कि मटेरियल कितने परसेंट को कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप एक बेंचमार्क पकड़ें, उस बेंचमार्क को एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप सोचते हैं बेंचमार्क कौन सा पकड़ना है, सेल्स, परचेज, वो जब स्टैंडर्ड से पूछें, स्टैंडर्ड कहता है आपकी जजमेंट है कि जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसका बेंचमार्क इंपॉर्टेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल आईकेएफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ लग जाएं, सबसे पहले क्या देखेंगे? रेवेन्यू। और रेवेन्यू में कौन सी कैटेगरी? स्टूडेंट्स से आने वाला रेवेन्यू। आप देख रहे हैं आपकी नज़र में कुछ खास एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है, आप यूजर हैं। शायद आईकेएफ के फाइनेंशियल्स में उस एरिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज भी हों, बट आपका जहन कहाँ गया? रेवेन्यू फ्रॉम स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली जब आईकेएफ के केस में मैं मटेरियलिटी निकाल रहा तो मैं उस एरिया को कंसिडर करूँगा जो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र की जो मटेरियलिटी की जो कैलकुलेशन है वो उस एरिया पर डिपेंड कर रही है। बात समझ रहे हैं? अब आईकेएफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर इनके एसेट्स बिलियंस में फैले हुए हों तो मैं उसकी परसेंटेज लूंगा तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, क्योंकि आपके जहन में वो एसेट्स नहीं है, आपको उन एसेट से मसला नहीं है, आपको मसला किससे है? स्टूडेंट से कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट से किसी भी सेशन में अगर आवाज़ हमारी आवाज़ दबा दी गई है, जी अभी आवाज़ क्लियर है? जी। दूर के सेंटर में जो लोग मौजूद हैं उन्हें लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आईकेएफ की एग्जांपल दी जा रही थी। जी क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? ठीक जी, क्लियर है। आईकेएफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तरफ एसेट्स से पता नहीं कितने बिलियन के, बट आपको बिलियंस की गेम पसंद ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट से कितने मिलियन कमाया। अब जब आपके जहन में स्टूडेंट से कमाने वाले मिलियंस हैं तो आपके जहन में मटेरियलिटी भी उतनी सेट हुई होगी। बात समझ रहे हैं? अब मैं अगर आईकेएफ के एसेट्स का 1% लूंगा तो शायद आपकी नज़र में तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, तो शायद मुझे एसेट्स की परसेंटेज नहीं लेनी चाहिए, मुझे उस रेवेन्यू की परसेंटेज लेनी चाहिए जो स्टूडेंट से आ रहा है। बात समझ रहे हैं? 320 ने हमें बताया कि जैसी एंटिटी होगी उसके वही बेंचमार्क इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ तो मेट्रो के अंदर रिसीवेबल का एरिया बिल्कुल बेकार है, मगर इन्वेंट्री का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर मैं आईकेएफ की बात करूं तो आईकेएफ में शायद रिसीवेबल का एरिया, आईकेएफ का रिसीवेबल होता है कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बच्चों की जो एनुअल सब वो है सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल, तो यहां रिसीवेबल का एक एरिया इंपॉर्टेंट है, मगर मेट्रो के लिए रिसीवेबल का एरिया नहीं है। हाँ आईकेएफ में इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मेट्रो में इन्वेंट्री। तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियलिटी है ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, मटेरियलिटी है जैसी एंटिटी उसका उस तरह का बेंचमार्क। अब सवाल ये कि मटेरियलिटी कितने परसेंट को कहते हैं, जवाब ये है कि ये हमेशा आपकी जजमेंट है। स्टैंडर्ड ने कहा आप जितना बड़ा बेंचमार्क चूज़ करेंगे परसेंटेज उतनी छोटी कर देंगे, और जितना छोटा बेंचमार्क चूज़ करेंगे परसेंटेज उतनी बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट का 10% और ग्रॉस प्रॉफिट का 5% शायद करीब करीब हो, और हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट का 5% ज़्यादा बड़ी चीज़ हो। जब बात रेवेन्यूज की हो, इक्विटी की हो, तो 1% भी बहुत बड़ा है, और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हो तो शायद 10% मुनासिब है। तो अगेन पे कुछ रूल ऑफ थम होते हैं, कुछ टोटके होते हैं। टिपिकली हम क्या करते हैं, हम जहन बना लेते हैं कि प्रॉफिट का कुछ 10% ले लेंगे, एसेट्स में 1-2% का कुछ माइंड बना लेते हैं। और अगर सवाल ने हमें एक से ज़्यादा बेंचमार्क दिए हो तो हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट है उसको दोनों से डिवाइड करके कहते हैं ये चीज़ उसका उतने और उसका उतने परसेंट है।
यहाँ पे मैं इस डिस्कशन को रोक रहा हूँ। जब मैं अभी बाय द एंड ऑफ सेशन आपको बताऊंगा कि 700 सीरीज के साथ साथ 5-6 के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, तो उस वक्त हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे मटेरियलिटी के ऊपर कि मटेरियलिटी के वक्त आपने किस तरह से प्लान करना है और चीज़ मटेरियल है या नहीं है, आपने उसको अपने सवाल में यूज़ कैसे करना है। वापस इधर आते हैं, परवेसिव है तो हमने एडवर्स ओपिनियन दे दी। एडवर्स ओपिनियन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग टू इन फेयर रिव्यू या आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, वो वाला फ्रेमवर्क अगेन जिस तरह से, अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है मटेरियल लेवल की, यानी आपकी वही 100 मिलियन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स थे, 11 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में चल रहा धरना, अब मैं नहीं जा सका वहां, पता नहीं वहां धरने वालों ने कब्जा ना कर लिया हो, पता नहीं गवर्नमेंट ने ना कब्जा कर लिया हो, लेकिन ना गवर्नमेंट मुझे एंटर होने दे रही है ना धरने वाले एंटर होने दे रहे हैं, मैं तो फंस गया, मैं वेरीफाई भी नहीं कर सका। कह दूं सिवाय 11 मिलियन की इन्वेंट्री की जो गलत है, क्या वो गलत है? उस 11 मिलियन में से कितनी इन्वेंट्री वहां पर पड़ी हुई है हमें तो पता ही नहीं। हो सकता है 11 मिलियन की 11 मिलियन पड़ी हो और सब कुछ टू एंड फेयर व्यू दे रहा हो, और हो सकता है 1 रुपए की भी इन्वेंट्री ना पड़ी हो, ऑडिटर फंस जाता है। जब स्कोप लिमिटेशन हो, जब उसको एविडेंस मिल ही नहीं ना पाता, तो उस चीज़ के ऊपर बात करते हुए वो डरता है। तो अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मटेरियल लेवल का हो, तो अगेन आप देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन अल्फाज थोड़े से बदले हुए होंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन में अब आप ये नहीं कहेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ दिस मैटर, आप कहेंगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दिस मैटर। ऑब्वियसली अगर आईकैप आपसे ड्राफ्टिंग करवा रहा है ओपिनियन की और आपने ये बेसिक गलती कर दी, तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगना चाहिए, किसी भी नॉर्मल समझदार आदमी को बुरा लगना चाहिए अगर आप ओपिनियन की वर्डिंग के साथ इतनी बड़ी हेर फेर कर दें। एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द वो पॉसिबल इफेक्ट जिसका मुझे नहीं पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इधर भी मटेरियल में क्वालिफाइड ओपिनियन है, इधर भी मटेरियल में क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन इधर वाली मटेरियल की क्वालिफाइड ओपिनियन थोड़ी सी जरा ज्यादा मोहताहत है, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ दिस मैटर, याद रहेगी वर्डिंग। अगर परवेसिव लेवल का मसला है तो फिर हम डिस्क्लेमर की तरफ जाते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो जो इन्वेंट्री है वो फाइनेंशियल मतलब टोटल एसेट्स का 87% है और मैं वो इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो शायद ये कहना बड़ा अजीब सा होगा कि सिवाय उस 87 मिलियन की इन्वेंट्री के पॉसिबल इंपैक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा, मैं कहूंगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उस लेवल पे एविडेंस मिस हो गया है। यानी कि जब आपको एक ह्यूज लेवल पे एविडेंस ना मिल सके तो आप डिस्क्लेमर की तरफ जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली जब आप डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे तो क्लाइंट थोड़ा सा परेशान होगा या शायद लोग भी सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है, इसने पूरा ऑडिट करने के बाद एंड पे कहा सॉरी मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, पैसे पूरे ले गया और ओपिनियन देने का टाइम आया, एक ही चीज़ तो इससे मांगी थी ओपिनियन, एंड पे कह दिया सॉरी मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जब भी कोई इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो मैनेजमेंट की तरफ से, एक तो हालात ख़राब है उनका तो कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट की तरफ से है तो पहले रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट को कि वो ख़त्म करें, अगर मैनेजमेंट उसको रिफ्यूज़ कर दे तो आप दोषा विद गवर्नर से डिस्कस करें और देखें कि कोई अल्टरनेट तरीके उसको वेरीफाई करने का, अल्टरनेट तरीके से वेरीफाई तो कर लें मगर ये ज़रूर देखें इन्होंने आपको मना क्यों किया था, उनके मना करने के पीछे जो इम्प्लीकेशन है उसको देखें, शायद उसमें कोई फ्रॉड या कोई ऐसा मामला हो। अगर आपको अल्टरनेट तरीके से एविडेंस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा और मैनेजमेंट दोषा विद गवर्नर से इनकार है और ना मिलने वाला एविडेंस परवेसिव लेवल पे बड़े लेवल पे है, तो स्टैंडर्ड ने एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट हमें मशवरा दिया है कि आपको विड्रॉ करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि अगर आपको एट एनी गिवन टाइम ये अंदाजा हो जाए कि मुझे यहाँ पे इस टाइम पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, तो आइडियली आपको ऐसे क्लाइंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। जी अब जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें तो फिर हम डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, दोषा विद गवर्नर्स को शिकायत करेंगे जो उनके कंट्रोल में है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में फिर हम लोग खुद से देखेंगे कि अब किस तरह से किया जाए। तो आप हो सके तो विड्रॉ करें ताकि दुनिया ये ना कहे यार अजीब सा ऑडिटर है पूरा ऑडिट कंप्लीट करके कहता है मैंने ओपिनियन ही नहीं दिया। ओपिनियन ना देना अच्छी बात नहीं है, तो ऑडिटर की कोशिश होगी कि वो विड्रॉ करने की कोशिश करे, विड्रॉ कर ले और बता दे कि चूंकि मुझे इस लेवल पर एविडेंस ही नहीं मिल रहा कि मैं ऑडिट को कंटिन्यू कर सकूं इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। आपको पता है एटीआर 14 ने तो पर आवर चार्ज आउट रेट बताया हुआ ऑडिटर का, तो जितना उसने काम किया होगा उतना उसे पैसे मिल जाएंगे, तो उससे ज़्यादा दुख की बात भी नहीं है। बट एंड तक बैठे रहना और एंड पे कहना सॉरी ओपिनियन ही नहीं मिला तो लोगों को शायद अच्छा ना लगे। विड्रॉ कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल हो।
पॉसिबल, कई दफ़ा नहीं होता विड्रॉ करना। फर्ज करें SECP ने ऑर्डर को अपॉइंट किया, हो सकता है वो कहते हैं यहाँ आपने विड्रॉ करके नहीं जाना, खराब दो साफ दो, एंड पे ओपिनियन ज़रूर देनी है, आप बगैर ओपिनियन दिए नहीं भागेंगे, कभी कभी प्रैक्टिकेबल नहीं होता। बात एंड ऑफ ऑडिट पे चली गई है और बिल्कुल आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले थे कि पता लगा कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। अब ये परवेसिव लेवल का इशू है कि मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया अपनी सारी जिम्मेदारी, ऑब्वियसली परवेसिव लेवल का इशू है। लेकिन इस टाइम पे विड्रॉ करने से कोई खास सियासी फ़ायदा अचीव नहीं हो सकेगा। इस टाइम पे बजाय इसके कि आप विड्रॉ की तरफ जाएं, चूंकि प्रैक्टिकेबल नहीं है इस वक्त विड्रॉ करने से फ़ायदा कोई नहीं है, आप ऑडिट कंप्लीट करेंगे और एंड पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। तो इस पीछे वाले मैप में जो हमने डिस्कस किया है, डिस्क्लेमर से पहले हम बात कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट रिजॉर्ट में विड्रॉ, नहीं तो डिस्क्लेमर अगर प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल हो। तो ये तो हो गई ओपिनियन से रिलेटेड बातें। अब अगर आपकी ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा। आपका सबसे पहले तो ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होगा। ओपिनियन याद है वो जो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट थे, अब आप ओपिनियन पैराग्राफ पकड़ेंगे, ओपिनियन की हेडिंग चेंज करके कर देंगे क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर आप उसके अल्फाज चेंज कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अल्फाज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस मैटर। आगे सारा वही जुमला जो आपका स्टैंडर्ड जुमला है, फेयर प्रेजेंटेशन वाला और कंप्लायंस वाला। अगर एडवर्स रिपोर्ट होगी तो आप नेगेटिव टोन में आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दैट। जब डिस्क्लेमर आएगा तो डिस्क्लेमर में जो है वो आप बताते हैं कि हम किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दे पा रहे। मैं नॉर्मली कहता हूँ इन तीन पॉइंट्स को रिवर्स में पढ़ेंगे, ऑडिटर वॉज एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, Because of the significance of matter described in basis of disclaimer, auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence. Accordingly, the auditor does not express an opinion. Auditor audit करने आया था, sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला था, जिसकी वजह से auditor किसी किस्म की opinion देने से कासिर है। तो disclaimer of opinion का मतलब है कि आप कहें हालातों वाक़ात इतने ख़राब हैं, मुझे उस level पे evidence ही नहीं मिल रहा। वही बात है कि अगर 88 million की inventory है 100 million में से और वो मुझे नहीं पता तो मैं किस बात पे ओपिनियन दूँ। मैं साफ ओपिनियन भी नहीं दे सकता, ख़राब ओपिनियन भी नहीं। तो अकॉर्डिंगली जब इतना बड़ा मेरा एविडेंस मिसिंग है तो मैं कहूँगा सॉरी, मैं किसी किस्म का ओपिनियन देने से कासिर हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आएगा ओपिनियन पैराग्राफ में। दूसरा चेंज कहाँ आएगा? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। इसके भी अल्फाज चेंज हो जाएंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी आई कैप कहता है मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ लिख के बताओ, कभी कभी वो कहता है मुझे क्वालिफिकेशन पैरा लिख के बताओ या मुझे मॉडिफिकेशन बताओ। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि उनके सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने ओपिनियन पैरा पूछा है, ये पैरा पूछा है या दोनों पूछे हैं। और अगर वो कहें कि ज़रा मुझे मॉडिफिकेशन तो बताओ रिपोर्ट में क्या होगी और कुछ नहीं मैंशन किया, ऑन सेफर साइड आप दोनों चीज़ें मैंशन करें। और ये मैंशन करना इतना मुश्किल नहीं है, ओपिनियन पैरा तो आपके स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। जिस तरह की ओपिनियन आप स्टैंडर्ड खोलें, आपको स्टैंडर्ड के एंड पे 705 के एंड पे इतने सारे अपेंडिक्स में नज़र आ जाते हैं, उस तरह की ओपिनियन, उस तरह की ओपिनियन, ओपिनियन के अल्फाज उठा लें। ये जो नेक्चर वन है इसमें आप बेसिस और ओपिनियन के भी बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स उठा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का एक इशू उठाया और उसके ऊपर बेसिस और ओपिनियन आपको ड्राफ्ट करके दिखा दिया। तो उससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ लिखने की भी। तो पेपर में अगर बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ आया और स्टूडेंट उसकी ड्राफ्टिंग में गड़बड़ करे तो ये बड़ी दुख की बात है भाई। वो जो मुद्दा था, जो इशू था, वो बताने में गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हैं कम से कम। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जो रिपोर्ट के एंड पे दिए हुए होते हैं ओपिनियन जिस तरह, उसको ज़रूर देखा करें। कई दफ़ा जो है ना उसमें, एक दफ़ा तो बड़ा मज़े का सवाल आया था, उन्होंने बेसिस ओपिनियन पैराग्राफ दिया, उन्होंने कहा ज़रा इसमें बताओ क्या चीज़ें मिसिंग हैं या इसमें क्या गड़बड़ है। कितना मज़े का सवाल है कि किताब आपके सामने ओपन है, उसमें बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ तकरीबन हर स्टैंडर्ड के एंड पे दिया हुआ है जहाँ ओपिनियन खराब हो रही है। आप उसको मोटा मोटा कंपेयर करके कुछ ऑब्वियस गलतियाँ आइडेंटिफाई कर सकते थे और फिर कुछ और बातें जो आपकी नॉलेज थी, फॉर एग्जांपल बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में फलाना चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ आ रही थी। खैर, हमने बेसिस फॉर फलाना 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 ओपिनियन हेडिंग दी, फिर उसके अंदर हम बताएंगे कि मसला क्या था, वो क्या मैटर है जिसकी वजह से ओपिनियन खराब हो रही है। फिर हम उसकी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन देंगे अगर हम बता सकें। हम कहेंगे ये इशू इतना बड़ा है और इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स या हमारी सेल्स इतने से ओवर या अंडरस्टेट हो रही हैं, उसका मैथमेटिकल इंपैक्ट बताएंगे अगर बता सकते हैं। याद है स्कोप लिमिटेशन, उधर तो हम इंपैक्ट भी नहीं बता सकते। तो स्टैंडर्ड कहते हैं फिर बताएंगे हम इंपैक्ट नहीं बता सकते। देन अगर मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर की बात है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर मिसिंग है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसलिए है कि कोई डिस्क्लोजर या उसके अंदर, तो आप उस डिस्क्लोजर को अगर प्रैक्टिकेबल होगा तो आप बताएंगे, आप कहेंगे ये डिस्क्लोजर मिसिंग था।
हाँ, अगर मैनेजमेंट वो डिस्क्लोजर सिरे से ही नहीं बनाया हुआ है, या वो डिस्क्लोजर इतने बड़े वॉल्यूम का है कि उसको रिपोर्ट में डालने से रिपोर्ट की क्वालिटी या रिपोर्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, तो देन आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। एक छोटी सी यूनिक बात है, एक छोटा सा मेरा सवाल जिसके साथ, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 मिलियन के एसेट्स हैं, 8-9 मिलियन का एक एसेट है जिसके ऊपर आप क्वालिफाइड ओपिनियन सोच रहे थे, फिर पता ये लगा कि तकरीबन 82 मिलियन का एक एसेट है जो परवेसिव लेवल पे, और उसके ऊपर आप खराब ओपिनियन प्लान कर रहे हैं। एक तरफ आप प्लान कर रहे हैं एडवर्स ओपिनियन और एक तरफ आप प्लान कर रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, तो इन दो में से कौन सी ओपिनियन देनी होगी? परवेसिव वाली, एडवर्स। जब आप एडवर्स ओपिनियन दे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप एडवर्स ओपिनियन के बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में बताएं वो बड़ा वाला इशू, बट वो बड़ा वाला इशू बताने से वो जो एक मटेरियल लेवल का इशू था वो इग्नोर हो गया। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपका बड़ा और छोटा इशू दोनों अगर साथ साथ हैं तो आपने ख़राब तो करनी है रिपोर्ट बड़े वाली, बट उस एटलीस्ट मटेरियल लेवल के इशू का जिक्र ज़रूर कर देना है विच वुड हैव अदरवाइज कॉज्ड अ मॉडिफिकेशन। अगर ये बड़ा इशू नहीं भी होता तो भी मैं कौन सी साफ रिपोर्ट देने लगा था, मैं तो ओपिनियन ख़राब कर रहा था। तो अगर एक मैटर इंडिविजुअली मटेरियल है बट वो साइड पे हो रहा है क्योंकि एक परवेसिव मैटर भी मौजूद है, तो ओपिनियन दें परवेसिव वाली, बट बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में मटेरियल इशू भी बताएं और परवेसिव इशू भी बताएं। ये स्टैंडर्ड ने हमें गाइड किया बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में। अगर हम तीसरे लेवल पर जाएं तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आएंगी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी मैं आपको दोबारा याद करा दूं आप सारे लोगों को कि हमने सवाल जवाब के लिए लास्ट डे 1.5-2 घंटे का सेशन कम अज़ कम प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह ताला, तो आप साथ साथ जो जो कन्फ्यूजन है उसको नोट करते जाएं। फिर मैंने एक दूसरी ऑप्शन तो खुली खुली दी हुई थी आपको कि जो भी आपके सवाल हैं फेसबुक पे कमेंट्स में आप साथ साथ लिखें। मैंने घर जाके देखा कोई सवाल नहीं था, बस एक स्टूडेंट ने कहा था कि जी वो नोट्स अगर डेली के बजाय इकट्ठे शेयर हो जाएं, या एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कि जो लीगल एरियाज हैं ऑडिट के जो वो शेयर कर दें, मैंने वो शेयर कर दिया। तो अगेन मतलब आप वहाँ पे कमेंट पे भी शेयर कर सकते हैं, और अगेन आखिरी दिन हमारा एक ऑफिशियल सेशन होना है, वरना पता है क्या होगा, हम रिवीजन सही नहीं कर सकेंगे, फास्ट नहीं कर सकेंगे। रिवीजन को फास्ट होने के लिए थोड़ा सा हमें सवालों को होल्ड करना होगा। आपके पास कागज़ मौजूद है, आप सवाल नोट करते रहें, यकीन माने उस दिन आप लोग घबरा के उठ उठ के चले जाएंगे, मैं आपके सवालों को के जवाब दिए बगैर नहीं जा रहा इंशाल्लाह। हाँ, जब आईके वाले कहेंगे कि बस अब जो है ना वो बस वो शादी हॉल में लाइटें वगैरह बंद हो जाती हैं सारा वो कि जी बस अब निकलो, तो जब तक ये हमें बर्दाश्त कर रहे होंगे, अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह नहीं भागूंगा, आप लोगों को ही शायद मतलब भागने की जल्दी होगी। तो इंशाल्लाह हम लास्ट डे सवाल जवाब अच्छी तरह से करेंगे, उसकी वजह से इस वक्त हमारा टॉपिक थोड़ा बेहतर तरीके से चल पड़ेगा। तीसरा एरिया जहाँ चेंज आ सकती है, दैट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हमेशा चेंज नहीं करेंगे, जब आपकी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन होगी तो फिर आप कहेंगे कि आई बिलीव कि जो ऑडिट एविडेंस मैंने हासिल किया वो इतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि मैं ये खराब वाली ओपिनियन दे रहा हूँ। साथ ही स्टैंडर्ड ने यह कह दिया कि अगर की ऑडिट मैटर और डिस्क्लेमर दोनों इकट्ठे आप प्लान कर रहे हैं तो सॉरी ये वाला काम ऐसे नहीं होगा, एक ही रिपोर्ट में डिस्क्लेमर और की ऑडिट मैटर इकट्ठे नहीं आएंगे। की ऑडिट मैटर में आप कहते हैं आओ तो मैं बताऊं एक बड़ा अहम मामला और बड़ी डिटेल से बता रहे हैं, और ऊपर से डिस्क्लेमर में जाके कहें सॉरी मुझे तो एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा मैं क्या ओपिनियन दूं, तो कहेंगे जब अपनी पसंद की बात बतानी थी तो फिर तो तसल्ली से बताया कि आओ मैं बताऊं कि क्या मामला है, और अब जब ओपिनियन देने की बारी आई है तो वहां ऑडिटर कह रहे हैं मुझे तो पता ही कोई नहीं मैं तो भोला पड़ा हूं। तो एक ही वक्त में दो ऑपोजिट काम यूजर को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक ही रिपोर्ट में डिस्क्लेमर और की ऑडिट मैटर इकट्ठे नहीं आएंगे। आईकैप भी बड़ा सियाना है, उन्होंने सिनेरियो एक दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन भी और सोचो उसी में की ऑडिट मैटर भी है, इस पे कमेंट करो। स्टूडेंट भी जज्बाती, उन्होंने फौरन कह दिया नहीं नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, और बाद में एग्जामिनर कमेंट में उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस बात का पता ही नहीं था कि वो तो डिस्क्लेमर का मसला होता है, तो इसलिए डिस्क्लेमर और की ऑडिट मैटर इकट्ठे नहीं आएंगे। डन। ये हमने देखा है मॉडिफिकेशन जो ओपिनियन के अंदर होती है। अब इन लड़ाई झगड़े वाली बात है, ये स्पेशल केसेस 705 में छुपे हुए कुछ स्पेशल किस्म के केसेस। जब इन स्पेशल किस्म के केसेस की डिस्कशन होती है तो अक्सर स्टूडेंट जो है उनके अकीदे ख़राब हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी सर आप जो हमें गलत बात बता रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक दो ने तो कहा था सर स्टैंडर्ड में कहाँ लिखा हुआ है ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मजे की बात है कि स्टैंडर्ड आपने अगर कैफ वाला देखा हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पर इतनी सारी बातें नहीं है, लेकिन सीफैप में 2-3 स्पेशल केसेस हमने अपने जहन में रखने हैं। थोड़ी सी डिस्कशन अभी होगी, थोड़ी सी आगे एक 805 जब हम स्टैंडर्ड देख रहे होंगे हम उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। जब एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो उसी रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा, मतलब एक रिपोर्ट में अगर बड़ा ओपिनियन आ गया ना तो उसी रिपोर्ट में छोटा ओपिनियन नहीं आएगा।
साफ ओपिनियन नहीं आएगा। याद है हमने कहा था अगर बड़ा ओपिनियन दे देंगे और छोटी खराबी भी होगी तो छोटी खराबी का मेंशन कर देंगे बट ओपिनियन बड़े वाले देंगे। इस वक्त रूल ये है कि अगर रिपोर्ट में एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो उसी रिपोर्ट में साइमल्टेनियसली साफ ओपिनियन नहीं आएगा बट विद टू एक्सेप्शन। वो दो एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन अगर दो अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। याद है हमने कहा था अगर दो फ्रेमवर्क हो दोनों की कंप्लायंस हो तो सेम सेंटेंस या दो अलग अलग ओपिनियन बता दें तो हो सकता है एक फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा हो और एक फ्रेमवर्क फॉलो ना हो रहा हो। एंटिटी का ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें और ये बताएं क्या ये IFRS को फॉलो कर रहे हैं और साथ ही वो कहते हैं ये भी बताएं कि क्या ये हमारे श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ हमारा हेड ऑफिस है। अब वो फाइनेंशियल्स हो सकता है IFRS को तो फॉलो कर रहे हो बट श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना कर रहे हो तो दिस इज अलाउड कि आप एक ही रिपोर्ट में दो अपोजिट किस्म की ओपिनियन दे सकते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साफ ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एज पर IFRS, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब ओपिनियन दे रहे हैं या सही नहीं बने हुए या एडवर्स आप रिमार्क्स देंगे एज पर दूसरा ओपिनियन। तो आप दो अलग अलग फ्रेमवर्क हों तो दिस इज अलाउड कि एक फ्रेमवर्क के मुताबिक आप एडवर्स ओपिनियन दे दें और दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक आप जो है साफ ओपिनियन दे दें। ये एक एक्सेप्शन है, ये रेगुलर केस नहीं है, ये एक्सेप्शन के तौर पर अलाउड है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देन दूसरा जिसके ऊपर जो है वो कत्लो गारत हो जाती है, लोग जो है ना मतलब अगर क्योंकि उनके अकीदे पे जब अटैक होता है तो वो जो है ना वो गुस्से में आ जाते हैं, आप ऑपरेशन से रिलेटेड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दें और साइमल्टेनियसली फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर साफ ओपिनियन दे दें। 805 बड़ा मजे का स्टैंडर्ड है, वो हमें बताता है कि एक वक्त में आपको कई दफा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसी एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी मिल जाता है। तो अगर एक वक्त में आपको एक अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेट का ऑडिट मिला हुआ है दिस इज अलाउड कि वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप डिस्क्लेमर दे दें और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप साफ ओपिनियन दे दें। सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही व्यू दे रही हूँ और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको एविडेंस ना मिल रहा हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है? अगर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट दूं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूं और डिविडेंड के बारे में कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप लोग कैश फ्लो बना देंगे कि नहीं? आप बना देंगे। क्या कैश फ्लो बनाने के लिए आपके लिए जानना वाकई ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे कितना खर्चा हुआ? नहीं। आप टी अकाउंट बनाएंगे, उसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग आपस में एडजस्ट करके कहेंगे इतना बढ़ गया इतना कम हो गया, इतने वर्किंग कैपिटल में इजाफा हुआ इतना ऐसे हुआ, और आप कैश फ्लो पूरी की पूरी तैयार कर देंगे। अब अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी वेरीफाइड है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी वेरीफाइड है, बैलेंस शीट के बाकी एरियाज भी वेरीफाइड है, तो बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन होगी? साफ मैं कहूँगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही नजर आ रही है। चूंकि मुझे खाली कैश फ्लो का ऑडिट नहीं मिला, मुझे तो पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट मिला है। अब फर्ज करें पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट के साथ साथ मुझे कहें कि कैश फ्लो का भी ऑडिट करो, अब मेरे लिए कैश फ्लो इंडिविजुअल एक यूनिट बन गया। अब कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फलाना एक्टिविटी क्या वो वाकई उतनी है या नहीं है, मुझे एविडेंस ढूंढना होगा, रसीदें देखनी होगी, वर्किंग करनी होगी। फर्ज करें वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की मैं वर्किंग करने की कोशिश करूं और मुझे एविडेंस ना मिले, बट चूंकि मेरा ओपनिंग सारा टैली है, मेरा क्लोजिंग सारा टैली है, तो जब कैश फ्लो अकेले की बात हो तो चूंकि उसकी मटेरियलिटी उस अकेली स्टेटमेंट की होगी तो शायद मैं कहूंगा कि मुझे एविडेंस इतना मिल ही नहीं पा रहा कि मैं ये बताऊं कि इसकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। तो जब मैं टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं और उसको साफ ओपिनियन कहूं, लेंज योर बैटरी इज रनिंग लो। देखिए सर जी कुछ बात बनी, ये तार जहाँ कनेक्टेड है इससे पहले कि प्रेजेंटेशन बंद हो जाए और ये लोग अय्याशी मनाने शुरू कर दे। नहीं बचे, मैं इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस तो कम करूँ ना। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे सा मामला है। 805 में जब दोबारा जाएंगे तो फिर से ये एक परेशानी होगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप कंप्लीट फाइनेंशियल्स को तो साफ कह दें, किसी एक एरिया पे डिस्क्लेमर दे दें। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब आपसे मैं पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कहते हैं तो आपके दिन में 5 बातें आती हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में 11 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है कुस्तुन दुनिया में 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, और उन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हो जो एम्प्लॉइज की मूवमेंट के जिक्र करती हो। तो हो सकता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझे सही नजर आ रही है मगर एम्प्लॉइज की मूवमेंट की जो स्टेटमेंट है मेरे पास एविडेंस ही ना उसका। तो ऐसा हो सकता है कि मैं एम्प्लॉइज की मूवमेंट वाली चीज़ के ऊपर डिस्क्लेमर दे दूं बट फाइनेंशियल पोजीशन मेरी सही नज़र आ रही हो।
तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपको एक ही वक्त में कंप्लीट ऑडिट भी मिला हुआ हो और सिंगल फाइनेंशियल का ऑडिट भी मिला हो तो दिस इज अलाउड के सिंगल पे डिस्क्लेमर दे सकते हैं जबकि कंप्लीट पे साफ ओपिनियन हो। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जहां एक ही रिपोर्ट में एक वक्त में साफ और खराब ओपिनियन नहीं। आई गेस एक मिनट देखते हैं। हाँ चल पड़ा है ठीक। क्या चीज डिस्क्लेमर के साथ या इधर? नहीं, एक्सेप्शन मतलब बहुत ही एक्यूरेट। यहाँ सिर्फ एडवर्स के साथ साफ ओपिनियन का जिक्र है, यहाँ सिर्फ डिस्क्लेमर के साथ साफ ओपिनियन का। और डिस्क्लेमर छोटे कंपोनेंट पे होना चाहिए, साफ बड़े वाला कंपोनेंट होना चाहिए। ये वाइस वर्सा हो तो 805 में उसका भी बड़ा मजे का सोल्यूशन है। 805 में जब जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कंप्लीट फाइनेंशियल के साथ एक सिंगल एरिया अगर आपको मिले तो आप दोनों को मिला के किस तरह से डील करते हैं। तो ये दो स्पेशल केसेस जिसमें से दूसरे वाला ज़रा ज़्यादा तकलीफ दे, और ये 805 में दोबारा से डिस्कस होगा तो हम उस टाइम पे थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। मल्टीपल अनसर्टेनिटी एक और स्पेशल केस। हमने कहा था कि ऑडिटर को सिर्फ डिस्क्लेमर तब अलाउड है जब स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस परवेसिव लेवल पे हो। उसके अलावा एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीमली रेयर, ये बड़े सिलेक्टेड से सहमे बेस अल्फाज हैं, मतलब 10,000 में से कोई एक दफ़ा। एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेज अगर ऑडिटर को मल्टीपल अनसर्टेनिटीज मिले और मल्टीपल अनसर्टेनिटीज का आपस में कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो तो शायद ऑडिटर घबरा जाए। अब अगेन आईकैप में बैठे हुए, आईकैप की एग्जाम्पल दे लें। फर्ज करें आईकैप पे एक स्टूडेंट केस करते, वो गए जी आईकैप ने पेपर इतना मुश्किल बनाया था कि जिस पेपर को देखने के बाद जो है वो मेरा जहनी तवाजुन ख़राब हो गया और अब मैं पूरे दिन में कोई एक आध घंटे सही ही बात करता हूँ, अदरवाइज़ मैं 23 घंटे तक जहनी जो है वो ख़राबी का शिकार रहता हूँ। तो इस वक्त ये वो एक घंटा है जब मैं आईकैप के ऊपर केस कर रहा हूँ। ये उसने कब केस किया? ये उसने केस किया जब उसको ऑडिट का एक बड़ा मुश्किल सा पेपर नज़र आया, फ़र्ज करें दिसंबर की 5-6 तारीख को व्हाट्सएवर। फिर ऑडिटर जब आईकैप का ऑडिट कर रहा था तो उसको नज़र आया एक और स्टूडेंट ने भी केस किया हुआ है, स्टूडेंट नहीं उसकी फैमिली ने। उन्होंने कहा ये बच्चा जब से ऑडिट का पेपर दे के आया बहकी बहकी बातें कर रहा है, और उन्होंने जनाब आईकैप पे हर जाने का दावा कर दिया। पता ये लगा कि उस एक दिन आईकैप के खिलाफ 73 केस रजिस्टर हो गए। उस दिन कोई ऑडिट का इतना कोई अजीब सा पेपर आया जिसकी वजह से पता नहीं कितने सारे बच्चे जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, और बाकी बच्चों के जो वालदैन हैं वो उन बच्चों को देख के परेशान हो गए। और उसके बाद जो है ना उन सब ने मुख्तलिफ, किसी ने कई करोड़ का क्लेम किया, किसी ने कुछ लाख का क्लेम किया। अब आप ऑडिटर आईकैप के, आपने देखा उन केसेस को, केस देखा मुस्करा दिया, आपने कहा क्या बच्चों वाला केस है। दूसरा केस देखा फिर मुस्करा दिए। लीगल एडवाइज़र से पूछा, उसने कहा सर आपको तो पता है स्टूडेंट का, आईकैप ने तो स्टूडेंट से फॉर्म पे साइन करवाया था कि जब आप आईकैप में आ गए हो तो आईकैप आपके साथ जो मर्जी करे। तो आईकैप जैसा भी पेपर दे आपको, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ऑब्वियसली आपने तैयारी अच्छी करनी थी, आप तैयारी के बगैर आते हो तो आप पेपर देख के घबरा जाते हो। तो हुआ ये कि जब हमने लीगल एडवाइज़र से मशवरा किया तो उसने कहा भाई इस तरह के केस होते रहते हैं। तो हमने लीगल एडवाइज़र से पूछा क्या मतलब है, इस केस में आईकैप हारेगा नहीं? उसने कहा भाई ये तो अभी अदालत में ही है केस, ये तो अदालत फैसला करेगी कि हारेगा या नहीं। तो मैंने कहा अच्छा जीतेंगे या हारेंगे? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, एक केस का नहीं पता तो दूसरे का भी नहीं पता होगा। 73 केसेस अनसर्टेनिटी में चले गए। अनसर्टेनिटी है, आपको पता है अगर अनसर्टेनिटी हम कहते हैं फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करो, और जब वो डिस्क्लोज कर देते हैं तो कई दफ़ा हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब अगर इतनी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हैं, आपने अभी साफ ओपिनियन दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, दो दिन बाद एक बच्चा केस जीत गया कि वाकई आई के अपने पेपर ऐसा बनाया था जिससे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। तो अगर एक बच्चा केस जीता है तो बाकी बच्चे क्या, मतलब क्या ऐसा होता है कि एक अनसर्टेनिटी दूसरे से कनेक्टेड हो? हमारी वाली एग्जाम्पल में सारी अनसर्टेनिटीज आपस में, तो अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हो एक्सट्रीमली लेयर सर्कमस्टांसिस में, वो आपस में कनेक्टेड हो और उनका इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट हो आपस में कि ऑडिटर घबरा जाए कि इस वक्त मैं क्या कहूँ इस अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी है, ये आर भी जा सकती है, पार भी जा सकती है। अगर एक केस जीत गया आई कैप तो सारे केस जीत जाएगा, और एक हार गया तो सारे हार जाएगा। तो अगर इधर हम साफ ओपिनियन दे के निकलें और दो दिन बाद पता लग गया ये तो गोइंग कंसर्न पे बात आ गई,
तो लोग कहेंगे कैसा अजीब सा ऑडिटर, उसको पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा मामला चल रहा है, और वो तो उसको अनसर्टेनिटी क्लेम कर रहा था। तो स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी है कि अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हो, उनका आपस में इफेक्ट बड़ा क्यूमुलेटिव हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इफेक्ट हो, तो ऑडिटर इज अलाउड कि वो कहे मैं भाग रहा हूँ, ओपिनियन देने से पहले ही भाग जाए। वो कहे भाई हालात जितने मुश्किल पेचीदा और उलझे हुए से हैं, मैं किसी किस्म की ओपिनियन देने से कासिर हूँ और मैं यहाँ ओपिनियन नहीं दे रहा। तो एज एन एक्सेप्शन इट इज़ अलाउड कि मल्टीपल अनसर्टेनिटी हैं, उनका आपस में इफेक्ट बड़ा क्यूमुलेट होके बड़ा परवेसिव हो जाता है, और ऑडिटर ने इंडिविजुअली वेरीफाई कर लिया वो अनसर्टेनिटी सही है, डिस्क्लोज भी हुए हैं, उसके ऊपर आपने वर्किंग भी कर लिया है, बट वो अगर एग्जीक्यूट हो गई ना तो एक दूसरे के साथ मिलकर तूफान मचा देंगे। देन ऑडिटर इज अलाउड कि वो अपनी जान बचाए, डिस्क्लेमर दे और कहे भाई मुझे कुछ नहीं पता, हालात बड़े टेंशन ज़्यादा सही लग रहे हैं, डन। तो ये स्पेशल केसेस हैं, ये एक्सेप्शन हैं 705 की। हम अपनी डायग्राम पे कंटिन्यू करते हैं। हमने 705 ओपिनियन की मॉडिफिकेशन डिस्कस की, यानी कि ओपिनियन किस वजह से चेंज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी रिपोर्ट में कभी कभी कुछ और चेंजेस भी होती हैं, वो जो हमारी रिपोर्ट के बेसिक 14 एलिमेंट्स थे, कभी कभी आपको उसमें कुछ चेंज करनी पड़ती है, वो चेंज अदर मॉडिफिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अदर चेंज अकाउंट से भी रिलेट कर सकती है और ऑडिट से भी रिलेट कर सकती है। आप अपनी रिपोर्ट में अपने यूजर्स को अपने अकाउंट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाह रहे हैं, और कभी कभी आप अपने यूजर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपने ऑडिट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं। यानी कि आप रिपोर्ट तो दे रहे हैं 700 वाली, बट आप अपने यूजर्स के लिए अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ खास से हाईलाइट कर रहे हैं। एक चीज़ अकाउंट्स में मौजूद है और आपको लगता है यूजर्स इसे नहीं पढ़ेंगे, आप उसे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप एमफेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ ऑडिट से रिलेट करती है, आपको पता है, और आप चाहते हैं कि मैं यूजर्स को भी अपने ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट के किसी मामले की अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो तो की ऑडिट मैटर है, अपने ऑडिट से रिलेटेड को अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ करते हैं अदर मैटर पैरा। अब सवाल ये है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसे कहेंगे। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट दैट रेफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्राइम अजम्पशन है, अगर एक मैटर प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज हुआ है और ऑडिटर को वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि वो चाहता है कि मैं ये डिस्क्लोजर तो कम अज़ कम सबको पढ़वाऊँ, वो यूजर्स को लंबा चौड़ा वाकया नहीं बता रहा, वो सिर्फ फाइनेंशियल में मौजूद एक डिस्क्लोजर की इंपॉर्टेंस को जहन में रखते हुए चाहता है कि यूजर कम अज कम वो नोट तो जरूर पढ़ ले। इसकी टिपिकल एग्जांपल ये है कि ईयर एंड के बाद आपकी कंपनी की दो फैक्ट्रियों में आग लग गई, एक अहम इशू है, मगर ईयर एंड के बाद लगी है, ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग। आप मैनेजमेंट से कहेंगे भाई इसको फाइनेंशियल में देखो, वो फाइनेंशियल में उसका नोट डाल देंगे, और नोट कहाँ, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे डालेंगे, नीचे करके कहीं। तो हो सकता है नोट नंबर 37.1 में लिखा हो कि कंपनी की बिल्डिंग जलने से कंपनी को इतने का नुकसान हो गया, क्योंकि आप बिल्डिंग की वैल्यू कम तो नहीं कर देंगे, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट क्या ये नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सारे यूजर नोट नंबर 37 तक पढ़ेंगे। अगर आपने किसी कंपनी को ऑडिट करते हुए मजबूरन उसके सारे अकाउंट्स नहीं देखे, तो कितने अकाउंट्स हैं जो अपने शौक से पूरे पढ़े हैं, मतलब आप लोगों ने कभी अपने शौक से इंटरनेट से कोई अकाउंट्स डाउनलोड किए हों और पूरे अकाउंट्स अलॉन्ग विद ऑल द डिस्क्लोजर पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक पढ़े हो। जब आप लोग जो कि इस बोर प्रोफेशन में मौजूद हैं और वो उस मार्फत के उस लेवल पे पहुंचे हुए कि आप ऑडिट का इम्तिहान दे रहे हैं, जब आपने नहीं पढ़े पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या आप मेडिकल वाले पढ़ते होंगे, क्या इन्वेस्टर पढ़ते होंगे। इन्वेस्टर्स को भी बस मोटे मोटे 2-3 सफ़े ही समझ आते हैं, इससे ज़्यादा जब हम अकाउंटेंट्स को नहीं समझ आते तो उनको क्या समझ आना है। तो अब नोट नंबर 37.4 लिखा हुआ तो बड़ा कमाल है, मगर यूज़र ने तीसरे सफ़े से आगे जाना नहीं है, और ऑडिटर चाहता है कि यूज़र अपना डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर देख ले कि कुछ बिल्डिंग्स जली हैं, तो ऑडिटर उस मामले को रेफर कर देता है। अल्फाज होते हैं, वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स नोट नंबर फलाना जहां बिल्डिंग के जलने का जिक्र है, बस थोड़ी सी शुल्ली छोड़ी और साइड पे हो गए। अब लोग वो नोट तो लाजमी जाके पढ़ेंगे जहां बिल्डिंग के जलने का जिक्र है। कल एक सवाल उठा था जिसको मैंने थोड़ा सा होल्ड कराया था आज के लिए, की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में फ़र्क क्या है। पहली बात ये, की ऑडिट मैटर ऑडिट का कोई भी मामला हो सकता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ उस चीज़ पे आएगा जो फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज है, यानी इसका ताल्लुक सिर्फ अकाउंट्स से है, जबकि की ऑडिट मैटर ऑडिट के किसी भी मामले की बात कर सकता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ एक हाइपरलिंक है, जाओ वो नोट पढ़ लो, बस इतना सा जुमला।
जबकि की ऑडिट मैटर एक वाक्य की ऑडिटर की जबानी एक्सप्लेनेशन है कि ये एक अहम मामला हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, मैंने ये प्रोसीजर लगाए थे, मैंने प्रोसीजर। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालने से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है, 700 के पैटर्न से हट जाती है, की ऑडिट मैटर से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होती। एम्फेसिस ऑफ मैटर किसी भी रिपोर्ट में डाला जा सकता है, किसी भी कंपनी के किसी भी सेटअप में, मगर की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में, और वो जो लॉ वगैरह ने बताया या जहां बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस है वहां ऑडिटर ऐड कर रहा होता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर किसी भी नोट पे आ सकता है जो करंट ईयर का हो या इवन ओपनिंग बैलेंस से रिलेट कर रहा हो, जबकि की ऑडिट मैटर सिर्फ करंट ईयर के मामलात के ऊपर आ रहा होता है। तो की ऑडिट मैटर एक लंबी चौड़ी कहानी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सिर्फ एक हाइपरलिंक है, तो इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, एक मैटर पेपर में उन्होंने दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्या हमें की ऑडिट मैटर की तरफ जाना चाहिए एम्फेसिस, अगर तो उस मैटर की कहानी और उन्होंने बताया कि ऑडिटर ने इस पर काम किया, उसको ये हुआ वो हुआ और फिर चीज़ें सेट हो गई, अगर वो आपको थोड़ा सा हिंट दें और थोड़ी सी स्टोरी सुनाएं, फिर तो आपके पास है मटेरियल निकालने को और आप उसको की ऑडिट मैटर कहते हैं। और जब वो कहेंगे मैनेजमेंट को आपने कहा और मैनेजमेंट ने आपके कहने पे एक प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दिया है, तो शायद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल के आप अपने आप को थोड़ा सेफ रख सकते हैं। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तब है जब मैं फाइनेंशियल की किसी डिस्क्लोजर की तरफ बस निशानदेही करना चाह रहा हूँ। प्राइम अजम्पशन है कि डिस्क्लोजर इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। की ऑडिट मैटर में उस इवेंट से रिलेटेड नोट फाइनेंशियल में होना जरूरी नहीं है। आपको याद होगा हमने कहा था कभी कभी मैनेजमेंट वाले खुद ही से नोट डाल देते हैं, अगर वो डाल देते हैं तो ऑर्डर रेफर करता है, और अगर वो नोट ना डालें तो उनके ऊपर कोई वाजिब नहीं है। लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ ही नहीं सकता जब तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रेलिवेंट नोट मौजूद नहीं है। डन। स्टिल अगर उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आपने नोट कर लेना है ताकि हम लास्ट डेज के ऊपर डिस्कशन करें। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की कुछ टिपिकल एग्जांपल, एक बड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि ईयर एंड के बाद हुआ आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, या नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपने उसकी अर्ली अडॉप्शन कर ली है, कोई बड़ा एविडेंस है, कोई बड़ा इशू है, कोई बड़ा डिजास्टर है आपने उसके ऊपर बात की। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद कोई नोट इतना सिग्निफिकेंट रखता है कि आप चाह रहे हैं कि यूजर उस नोट को पढ़ें, बस आप किस्सा नहीं सुनाना चाहते, डिटेल नहीं बताना चाहते, मुझे कितनी तकलीफ हुई, मैंने क्या किया, मैंने क्या एविडेंस निकाला, नहीं बताना, सिर्फ आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल में एक बड़ा अहम नोट है कम से कम वो सबको पढ़ना चाहिए, देन आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से बस उसका इशारा करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। मजीद सवाल अगर आपके हैं तो आप लोग नोट कर लेने। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ 705 का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक ऐसे इशू के ऊपर है जिसपे सब कुछ सही प्रेजेंट हुआ, अगर गलत प्रेजेंट होता तो मैं कहता मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी, और ना ही ये 570 के खास इशू का वो है सब्स्टिट्यूट। 570 में मटेरियल अनसर्टेनिटी का हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, शायद कल हम इसका जिक्र कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो उधर हम देखेंगे कि एक खास जगह पे हमें पैराग्राफ डालना होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उस मैटर पे नहीं होना चाहिए जिस पे आप की ऑडिट मैटर दे चुके हैं, जब की ऑडिट मैटर में आप तसल्ली बता चुके हैं तो उस चीज़ को एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। इसको प्रेजेंट कैसे करें, सेपरेट सेक्शन बनाएं रिपोर्ट में, इसकी कोई मुनासिब सी हेडिंग दें जिसके अंदर वर्ड्स एम्फेसिस ऑफ मैटर आ रहे हों, एक क्लियर रेफरेंस दें उस मैटर का जो एम्फेसाइज हो रहा है, जस्ट रेफरेंस दें, वो वाला नोट, वो वाला सफ़ा, वो वाली जगह, वो वाला, आप उसको प्रॉपर, और इंडिकेट करें कि ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो आप 706 के एंड पे जब जाके रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल नजर आएगी जिसमें वो इसके वर्ड्स होते हैं, वी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स नोट नंबर फलाना, जहां फलाना चीज का जिक्र है बस हल्का सा, एंड आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। लोग कंफ्यूज ना हो जाए, रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ, रिपोर्ट में चेंज आई है, रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ ऐड हो गया जो 700 ने ही नहीं बताया था, तो यहां रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है बट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा। अदर मैटर की बात करते हैं, कभी कभी आप अपने यूजर्स को अपने ऑडिट से रिलेटेड कोई खास बताना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, अपनी रिपोर्ट के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर आप यूज करते हैं अदर मैटर पैरा। यानी अब अजम्पशन ये नहीं है कि अकाउंट्स में चीज लिखी हुई है, अब अजम्पशन ये है कि ऑडिटर अपने ऑडिट के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन या कोई डिटेल बताना चाह रहा हो और 700 ने वो वाली बात ना बताई हो, तो फिर ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था कि अगर लॉ कहे कि ये फ्रेमवर्क मेरा है और आपको लगे कि मुनासिब नहीं है और आप विड्रॉ करना चाहें तो हो सकता है लॉ आपको रोक दे। लॉ ने रोका, जब लॉ ने रोका तो आपने एक डेढ़ महीने रोकने के बाद एंड पे कौन सा ओपिनियन दिया, डिस्क्लेमर,
स्टैंडर्ड ने कहा था कि जब तुम्हें वो हालात नजर आए डिस्क्लेमर वाले, तो बेहतर है अच्छे टाइम से विड्रॉ कर लो। आपने विड्रॉ नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि SECP ने मना किया था। क्या यूजर्स को पता है? एक आम यूजर तो रिपोर्ट पढ़ के कह गया यार अजीब ऑडिटर, जब इसको पता लग गया था कि एविडेंस नहीं मिल रहा तो छोड़ के क्यों नहीं चला गया। तो कभी कभी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के बारे में या अपनी जिम्मेदारी के बारे में कुछ समझाना चाह रहा है, तो हो सकता है वो ये पैरा बता दे। हो सकता है पिछले साल ऑडिट उसने ना किया हो, तो जब पिछले साल उसने ऑडिट नहीं किया तो इस साल के ऑडिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। पिछले जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो उसके खाते नहीं पड़ने चाहिए। तो यूजर्स को कम से कम एक आइडिया देना जरूरी है कि भाई मैंने पिछले साल का ऑडिट नहीं किया, मुझे ये ऑडिट पहली दफा मिला है, ताकि ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर मेरी नॉर्मल 5-10 वाली जिम्मेदारी को तो अज्यूम करें, लेकिन इससे ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करें कि फाइनेंशियल में जितनी भी चीजें होंगी मैंने उसको ऑडिट किया हुआ होगा। तो कभी भी आप अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ और चीजें एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आप अदर मैटर पैरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि अदर मैटर पैराग्राफ जो है वो क्या अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब्सटीट्यूट है? नहीं, हर वर्ड जिसके साथ अदर हो वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं होते। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो लॉ ने आपको कहा था कि आपने इसको लाजमी मेंशन करना है। अदर मैटर वो है जो ऑडिटर ने अपनी जजमेंट के मुताबिक सोचा कि मेरी रिपोर्ट में आने चाहिए। ये केम वाला इशू भी नहीं होना चाहिए। अगेन इसकी प्रेजेंटेशन सेपरेट सेक्शन होगा जिसकी हेडिंग अदर मैटर या एनी अदर अप्रोप्रिएट हो सकती है। वहाँ हमने पढ़ा था ना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और उसके साथ कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। या हम कह रहे हैं या आप अदर मैटर बताएं, इवन आप अदर मैटर्स के वर्ड्स भी इस्तेमाल ना करें, आप जो भी मुनासिब हेडिंग फर्ज करें। आप कहते हैं इशू रिगार्डिंग डिस्क्लेमर, इशू रिगार्डिंग विड्रॉल, आप कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिसमें अदर मैटर्स के वर्ड्स इस्तेमाल हों या ना हो चलेगा। अब अल्टीमेटली बात आ जाती है कि जब ये तीनों इकट्ठे हों, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, तो इनमें से किसको पहले दिखाएं किसको बाद में दिखाएं। अदर मैटर जिस एरिया को रिलेट करोगे उसके साथ जुड़ेगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ज़्यादातर फ्रेमवर्क से कनेक्टेड होता है, तो ये बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद आता है। अब बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद इसने भी आना है, की ऑडिट मैटर ने भी आना है, अदर मैटर ने भी आना है, तो इनमें से कौन सा दिखाएंगे? स्टैंडर्ड ने कहा कि देखो ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है। अगर की ऑडिट मैटर ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसे दिखाओ, बाद में एम्फेसिस दिखाओ। अगर एम्फेसिस जिस नोट के ऊपर कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले एम्फेसिस दिखाओ, बाद में की ऑडिट मैटर दिखाओ। तो जो जितना इंपॉर्टेंट होगा आप उसको दिखाएंगे, बट कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए। आपने की ऑडिट मैटर बताया ऊपर, नीचे एम्फेसिस बताया, कहीं ऐसा ना हो कि आपस मिक्स हो जाए। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि आपने इस तरह से प्रेजेंट कर लेना है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर उसके साथ हाइफन डाल के उसको फर्दर उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देना है, ताकि यूजर जब की ऑडिट मैटर पढ़ता पड़ता है तो यहाँ आके अटके कि ये कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर है किसी और मामले के ऊपर। तो अदर मैटर या एम्फेसिस ऑफ मैटर को आप इस तरह से हाइफन लगा के उसको सेग्रीगेट करके अपने नॉर्मल जो की ऑडिट मैटर्स है उनसे अलग कर सकते हैं। तो एक ही रिपोर्ट में दिस इज पॉसिबल कि की ऑडिट मैटर के एम्फेसिस और अदर मैटर आए, लेकिन ये तीनों के सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर एक इशू पे कैम है तो उस इशू पे एम्फेसिस नहीं आना चाहिए और उस इशू पे अदर मैटर पैराग्राफ भी नहीं आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कशन की है उस मैप की, जो कि ओपिनियन, मॉडिफिकेशन और किस तरह की चीज़ें। अब एक अहम सवाल 705, 706 का जो कंबाइंड सवाल है जिसके अंदर छोटे छोटे से और फ्लेवर भी होते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें? ये सवाल नॉर्मली थोड़े से ज़्यादा नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा ना भी सही तो 7-7, 8-8 नंबर के आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। कई दफ़ा पेपर में 15-16, 16-17, 13-14 नंबर के सवाल, एक ऐसा सवाल जिसमें एक या दो इश्यूज बताए हुए होते हैं और आपसे कहा गया होता है बताओ ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और बताओ रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगी। तो ऐसे में उस सवाल के मैक्सिमम नंबर लेने के लिए आपको थोड़ा सा सवाल को ब्रेक करना है मुख्तलिफ हिस्सों में। जब भी उन्होंने सवाल दिया है तो सवाल के अंदर वो कहते हैं ये इशू इतने लाख का या इतने करोड़ का, इतने मिलियन का इशू है, और साथ में आपको कुछ बेंचमार्क्स भी दिए होते हैं। तो सबसे आइडियल चीज़ है स्टेप वन, आप मटेरियलिटी को आइडेंटिफाई करें। जो भी उन्होंने बेंचमार्क्स दिए हुए हैं सवाल में, उन्होंने कहा सेल्स इतनी है, प्रॉफिट इतना है, फर्ज करें उन्होंने कह दिया प्रॉफिट है 70 मिलियन और सेल्स है फर्ज करें 400 मिलियन और इशू आपको जो मिला है वो इशू है शायद 25 मिलियन का, तो आप कहेंगे उस इशू को 25 मिलियन को सेल से भी डिवाइड करके देख लेंगे, उसको प्रॉफिट से भी डिवाइड करके देख लेंगे, एक परसेंटेज निकलेगी। आप एक जुमला लिखेंगे दिस इशू इज इतने परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इतने परसेंट ऑफ सेल्स। अब जब ये परसेंटेज आपने निकाली होगी ना, तो इस टाइम पे आपने जजमेंट यूज करनी है कि क्या आपको फौरन से समझ आ गई गेम। नॉर्मली प्रॉफिट्स के 10% से ऊपर को हम मटेरियल कहना शुरू कर देते हैं, नॉर्मली एसेट्स के 1-2% भी मटेरियल हो जाते हैं। तो फर्ज करें एक चीज प्रॉफिट का 10% हो मगर एसेट का 0.1% मुश्किल से हो, तो शायद उसको मटेरियल कहना आपको मुनासिब ना लगे। बात समझ रहे हैं?
यानी कि आपने उसको दोनों बेंचमार्क से डिवाइड किया और आपने कह दिया दिस इशू इज इतने परसेंट ऑफ फलाना एंड इतने परसेंट ऑफ फलाना। अब उसको देख के, अभी एग्जामिनर को नहीं बताना आप सोच रहे हैं, उसको देख के सोचना है कि क्या लग रहा है, मेटीरियल लग रहा है, परवेसिव लग रहा है या डाउट है। डाउट दो जगह पे आएगा, डाउट नंबर वन मेटीरियल है या नहीं, डाउट नंबर टू मेटीरियल है या परवेसिव है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको डाउट ये कि मेटीरियल है या नहीं, तो यहां मजीद जुमला मत लिखें। आप कहें दिस इशू इज इतने परसेंट ऑफ फलाना एंड इतने परसेंट ऑफ फलाना, और ये सेंटेंस यहां खत्म हो गया। जब सवाल के एंड पे चौथे स्टेप पे आएंगे ना, तो वहां आपने कह देना है अगर ये इशू गिवन सिचुएशन में मेटीरियल हुआ तो वो जवाब, और अगर ये इशू गिवन सिचुएशन में मेटीरियल ना हुआ तो ये जवाब। तो जब मेटीरियलिटी डिफाइंड ही नहीं है तो क्यों आपने जिम्मेदारी लेनी है उसकी? जैसा सवाल वैसा जवाब। या तो वो खुद आपको बता दें ये इशू मेटीरियल है, और अगर वो नहीं बता रहे और आपको बेंचमार्क दिए हैं तो बेंचमार्क की बेस पे डिसाइड करें कि आपको क्या लग रहा है। अब फर्स्ट करें आपने डिवाइड किया और आपको नजर आया कि रेवेन्यू का 2% है, 2.5% है फर्स्ट करें, और प्रॉफिट्स का कोई 30% है। आपको गेम समझ आना शुरू हो गई, मटेरियल है मतलब प्रॉफिट का भी एक अच्छी परसेंट है और एसेट्स में भी 2% से। अब जब आपको क्लियरली पता है, तो आपने पहला वाला जुमला लिखा था ना, दिस थिंग इज इतने परसेंट ऑफ फलाना एंड इतने परसेंट फलाना एंड इज देयर फॉर कंसिडर्ड मटेरियल। उन्हें बता दें कि मुझे गेम समझ आ गई, ये मटेरियल है। अब जब आप मटेरियल बोल चुके हैं ना, तो नीचे आपने जवाब मटेरियल के हिसाब से देना है। और सेफ खेलना चाहते हैं तो ऊपर बस दोनों से डिवाइड करके एक सेंटेंस लिख दें, एंड पे आके कहिएगा गिवन सिचुएशन में वो हुआ तो मेरा वो जवाब है, और गिवन सिचुएशन में वो हुआ तो मेरा वो जवाब है। तो आपने क्या करना है, सवाल में जो इशू दिया हुआ है उस इशू को जितने बेंचमार्क दिए हैं डिवाइड करना है, सिवाय लॉस बिफोर टैक्स है। अगर उन्होंने लॉस बिफोर टैक्स दिया तो ये कोई मुनासिब बेंचमार्क नहीं होता कि आप इससे मतलब फर्ज करें लॉस हो 2 लाख का, तो आप तो 1 लाख के इशू को भी पता नहीं परवेसिव बना देंगे। तो अगेन मतलब लॉस एक अच्छा बेंचमार्क नहीं होता। तो लॉस को छोड़ के बाकी कोई भी बेंचमार्क दिया हुआ आप उससे डिवाइड करें और कहें ये इशू इतने का परसेंट है। ये हवा में बात अजीब सी लग रही है, थोड़ा सा वर्कड एग्जांपल से भी देख लेंगे। दूसरा स्टेप, उस इशू को डिस्कस करें और ऑडिटर के प्रोसीजर, यहां आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज काम आएगी। आप कहेंगे ये इशू IAS 16 के मुताबिक स्टैंडर्ड ऐसे कहता है, क्लाइंट ऐसे कर रहा है, हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उनका ये रजिस्टर वो चीज़ और वो चीज़ वेरीफाई कर लेंगे। इसका आपकी ऑडिट से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है इस स्टेप का, इसका आपकी अकाउंटिंग नॉलेज से ताल्लुक है। कि जो भी फर्ज करें उन्होंने कहा कि जी ये गिवन सिचुएशन है, वहाँ पे इस तरह से है कि वो क्लाइंट उसके ऊपर नोट आपने उनसे बात की और वो नोट देने में हिचकिचा रहे हैं, तो आप कहेंगे ये IAS 37 के मुताबिक कंटिजेंसी है, और IAS 37 कहता है कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। हम मैनेजमेंट से कहेंगे इसे डिस्क्लोज करें और हम इसके ऊपर मजीद लीगल एडवाइज़र से पता कर लेंगे, फलाना से पता कर लेंगे, फलाना से पता कर लेंगे। तो यहाँ आपने अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज और थोड़ी थोड़ी सी ऑडिटिंग की नॉलेज झाड़नी है, यहाँ स्टैंडर्ड आपको हेल्प नहीं करेगा। तीसरे स्टेप, आप स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली कहानी चला देंगे। अगर स्कोप लिमिटेशन आप कहेंगे मैनेजमेंट से कहेंगे इसको रिमूव करें, वो नहीं रिमूव करेंगे, दोषावत गवर्नर से कहेंगे, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है। अगर ये मटेरियल में स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे मैनेजमेंट से कहेंगे इसे ठीक करो, वो ठीक नहीं करेंगे, दोषावत गवर्नर के पास जाएंगे इसे ठीक करो, अगर वो भी ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है। बात समझ रहे? तो आपने पहली जगह मटेरियलिटी के ऊपर एक सेंटेंस इस्तेमाल कर लिया, दूसरे में आपने बता दिया कि ऑडिटर इस सिचुएशन में क्या करें, ये अकाउंटिंग का क्या मसला है और बीइंग ऑडिटर मेरी क्या जिम्मेदारी है। इस लेवल पे ICAP आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको अकाउंटिंग का मसला आना चाहिए जो वहाँ पे नजर आ रहा है। तो उस अकाउंटिंग के मसले को उसके ऊपर अपने प्रोसीजर बताएंगे, फिर वो जो टिपिकल 705 वाले प्रोसीजर थे कि यूं करेंगे उनके पास जाएंगे। जब ये कहानी डिस्कस कर चुके होंगे तो आप एंड पे आ जाएंगे अपने उस फ्लो चार्ट की तरफ कि ऐसी सिचुएशन होगी तो ये। तो ये बेसिकली वही फ्लो चार्ट बन जाएगा जिसके अंदर हमने कहा था कि ये मसला होगा तो इस तरह की ओपिनियन, ये मसला होगा तो इस तरह की ओपिनियन। अगर अदर मॉडिफिकेशन है तो उसके अंदर ये चीज़ें, और अनमॉडिफाइड के अंदर एहतियातन ज़रूर देख लें। अगर बड़ा अहम इशू लग रहा है तो आप कह दें वी कैन ऑल्सो कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ 701। इतना प्यारा जुमला है कि आपको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपने उन्हें ये भी बता दिया कि मुझे पता था। एग्जामिनर कभी कभी माइंड करता है, वो कहते हैं एक इशू था 6-7 नंबर का सवाल है और बच्चों ने कह दिया कि ओके सब ओके है, साफ ओपिनियन देनी होगी। बच्चों ने ये क्यों नहीं सोचा कि बात की ऑडिट मैटर की तरफ भी जा सकती है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे। तो अगेन अगर साफ ओपिनियन की तरफ भी बात जा रही है तो एक जुमला लिखने में हर्ज कोई नहीं है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्या की ऑडिट मैटर की तरफ तो नहीं जा रही बात। ये थोड़ा सा आपको सेफ ऑप्शन दे देगा, शायद 1-2 नंबर जो बिलावज आपका कट जाना था शायद ये एक्स्ट्रा जुमला लिखने से फ़ायदा हो जाए। लेकिन खराब इशू को की ऑर्डर मैटर में नहीं डाल देना, तो मतलब वैरायटी उतनी लगानी है जितनी जो है वो सही से हो। एक वर्ड एग्जांपल देखते हैं।
अगेन स्लाइड्स तो आपके पास मौजूद होंगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। आप ऑडिट पार्टनर है फर्म के और आपके मैनेजर ने दो मैटर्स हाईलाइट किए हैं, ये 8 नंबर का मैटर और ये 7 नंबर का मैटर। सवाल क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ द सिचुएशन एंड डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ अबव ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड। वो अक्सर ये चीज़ ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट को जब कुछ नहीं समझ आता तो 705 खोलता है, ओपिनियन उठा के छाप देता है, कहता है चलो कुछ तो लिखूंगा, तो वो बेचारे बहुत उलझते हैं इस बात से कि यार जो नहीं मांगा क्यों बता रहे हो। तो अक्सर सवालों में वो एक्सप्रेसली लिख देते हैं कि ओपिनियन मत ड्राफ्ट करना, बस बताओ मसला क्या है। ऑडिट के सवाल में एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये देखिए स्टेप्स कौन से परफॉर्म करेंगे और पॉसिबल इम्पैक्ट। तो यहाँ इन्होंने एक इशू दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उन्होंने बता दिया 790 मिलियन का, उन्होंने कहा 3 साल की वारंटी देते हैं और प्रोविजन जो वारंटी की है वो 80 मिलियन की है। मैनेजमेंट वारंटी को जैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें ये मसला वो मसला, आपने एक्सपर्ट बुलाया और एक्सपर्ट ने उसके ऊपर कुछ काम करना है। दूसरा इशू क्या है, आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट तो हुए हैं लेकिन आप इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं कर सके क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट लेट हुई थी। कितना छोटा सा इशू और कितने सारे नंबर्स। तो अगेन आपने वो सारे स्टेप से गुजरना है, वो सारी बातें करनी है और अपना नॉलेज, वही बात है अकाउंटिंग का भी और ऑडिट का भी, आपने प्लेस करना है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेटीएलटी ये 80 मिलियन का इशू है और बेंचमार्क एक ही दिया हुआ सवाल में 790 मिलियन। तो आपने कहा प्रोविजन ऑफ वारंटी इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देयरफॉर इट इज मेटीरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो यहाँ एक एक्सप्रेस डिसीजन ले लें और फिर नीचे उसके मुताबिक जवाब दें, या आप कह दें प्रोविजन फॉर वारंटी इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फुल स्टॉप। आप अपने पास जेब में हथियार रखेंगे, नीचे दोनों तरह से खेल लूंगा कि अगर गिवन सिचुएशन में ये चीज मेटीरियल हुई तो मैं वो जवाब दूंगा, गिवन सिचुएशन में ये चीज परवेसिव हुई तो मैं वो जवाब दूंगा। तो आपने सबसे पहले डिस्कस किया, अब आप इशू और उसके ऊपर एक्शन कि चूंकि ऑडिटर पॉइंट हुआ है तो हम देखेंगे कि उसकी अजम्पशन कैसी हैं और इसमें तो इसके अंदर आपके एक और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज भी कवर हो जाती है और थोड़ा बहुत जो है वो आप इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि हम ऐसे देखेंगे। फिर हम IAS 37 वाली बातें देखेंगे। इस सवाल में अक्सर आप नोट करेंगे कि जब आपने इशू डिस्कस करने हैं आपको ICAP के सोल्यूशन में स्टैंडर्ड का रेफरेंस मिलेगा। वो चाहते हैं कि आप बताओ कि आपको क्या इशू पता है, यानी कि जो सेकेंड स्टेप है ना इसमें आपने उस इशू की अकाउंटिंग और उसके ऊपर अपने लगाए हुए प्रोसीजर्स को डिस्कस करना है। जब आपने इशू और एक्शन डिस्कस कर लिया तो एंड पे आप फिर आ गए इम्प्लीकेशंस की तरफ। इम्प्लीकेशन क्या है, इन केस द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट एंड वैल्यूएशन मैनेजमेंट इज मटेरियल एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व, वी विल हैव टू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ऊपर आप अजम्पशन ले चुके हैं। अगर यहाँ आपने अजम्पशन ना ली होती और आपको मटेरियल और परवेसिव पर डाउट होता तो आप उस तरह की बात करते। However, if we have obtained sufficient appropriate evidence regarding valuation और सब कुछ अब सही है तो हम relevant details को key audit matter के अंदर भी discuss कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ने आपको बताया कि आपको expert को बुलाना पड़ा, complex था, assumptions थी, थोड़े से hints दे दिए आपको कि एक चीज़ के ऊपर आपका time लगा। तो आपने क्या किया, आपने साफ opinion वाले outcome की तरफ जाते जाते कह दिया कि हम जो है वो यहाँ पे key audit matter को देखेंगे कि key audit matter की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं हम उसका जिक्र करेंगे। अगेन ऑब्वियसली आप इसकी एक अच्छी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे पेपर में आप सवाल के ज़्यादा नंबर देख के घबराए नहीं, आप उसको 2-3 ब्लॉक्स में तोड़ लें, उससे आपको स्टेप्स के तौर पे नंबर मिल जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग में सवाल समझ ना भी आए आप आधे नंबर फिर भी ले लेते हैं, तो थोड़ा ऑडिट में भी कुछ ना कुछ टोटके लगाने की कोशिश की जा सकती है। पार्ट बी, अब चूंकि यहाँ मटेरियलिटी है ही नहीं, उन्हें बताया इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो आप मेटीरियल पे भी खेल सकते हैं, परवेसिव पे भी खेल सकते हैं और नॉट मेटीरियल पे भी खेल सकते हैं। बट इन्वेंट्री एक जगह पे मतलब हम काउंट ही नहीं कर सके उनकी, टोटल इन्वेंट्री काउंट ही नहीं कर सके, हमारी अपॉइंटमेंट लेट हुई थी। तो अगेन अब आपको अपने अकाउंटिंग की नॉलेज पता है कि अगर आप ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुए होते हैं तो आप थोड़ा बहुत उस पर वर्किंग करते हैं। आपको याद होगा FR1 FR2 में इस तरह के सवाल करते थे, उसमें ऑडिटर अक्सर ईयर एंड के बाद अपॉइंट होता था और उसको जो इन्वेंट्री मिलती थी उसमें और ईयर एंड की इन्वेंट्री में फ़र्क होता था और फिर 11-10 एडजस्टमेंट्स होती थी, इन्वेंट्री डिस्पैच बट नॉट इनवॉइस्ड, इन्वेंट्री इनवॉइस बट नॉट रिसीव, रिसीव बट नॉट अकाउंटेड फॉर, इतनी सारी चीज़ें जिसमें आपने कहा होता था कि दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, चौथी और पाँचवीं को हमेशा क्रेडिट करना है, इस तरह के टोटके लगा के आप उसमें से कुछ मुनासिब नंबर ले लेते थे। तो उस तरह की आप वर्किंग करेंगे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आफ्टर दैट डेट कंडक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि चेंजेस प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई हैं या न्यू ऑफ इन्वेंट्री के रिकॉर्ड की रिलायबिलिटी देखेंगे। ये प्रोसीजर लिखने से आपने एक रीजनेबल नंबर ऑफ मार्क्स तो देख लिए। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन,
If auditor concludes that it would be impracticable or not possible to work back the inventory, then this would be a scope limitation, and depending upon materiality and pervasiveness of the amount, हम उस तरफ भी जा सकते हैं और उस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था, तो हमने कहा हम क्वालिफाई भी कर सकते हैं फलाना भी. फर्दर मोर द ऑडिटर शुड इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ एंड मेंशन दैट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर. कितनी खूबसूरत बात, अगर उन्होंने कहा है कि आप अपॉइंट बाद में हुए हैं, आप लेट अपॉइंट हुए हैं, तो इसका मतलब पिछले आप नहीं थे. जब आप पिछले नहीं थे तो अदर मैटर पैराग्राफ में ये ऑप्शन तो हमेशा मौजूद है. तो देखिए, अब उसने 7 नंबर पूरे करने थे, तो उसने एंड पे एक जेब से पॉइंट निकाला और उसने कहा चूंकि पिछला ऑडिट हमने नहीं किया तो अदर मैटर पैराग्राफ भी यहाँ देना चाहिए हमें. आई होप कि इस सेशन में जितना आपको अज़ियत दे सकता था मैंने अज़ियत दे ली है.